बच्चों, कैसे हो? आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर वन नोइंग अवर नंबर्स की स्टार्ट करेंगे। आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएँ। आप पूरे साल अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स लाएँ क्लास सिक्स में। इसमें पढ़ाई शढ़ाई आपकी बहुत हेल्प करने की कोशिश करेगा। आपको पूरी मैथ्स के नीचे लेक्चर्स मिलेंगे इस चैनल पे, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी दिक्कत है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। पढ़ाई शराई आपकी जल्दी से हेल्प करने की कोशिश करेगा। आप सभी के मार्क्स अच्छे आए, यही पढ़ाई शराई का एम है, ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर वन मैथ्स का, जो है नोविंग अवर नंबर्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज में दो नंबर सिस्टम मिलेंगे, ठीक है? पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, और फिर दूसरा नंबर सिस्टम है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है? ये दोनों नंबर सिस्टम अलग अलग हैं, ठीक है? तो हम दोनों नंबर सिस्टम में अलग अलग तरीके से नंबर्स को गिनते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा वन है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में भी इसको वंस गिनेंगे और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी इसको वंस गिनेंगे, ठीक है? टेन को टेंस, अगर एक जीरो है, ठीक है, एक जीरो है तो टेंस कहलाएगा दोनों में। अगर 100 है तो वो, जैसे कि 100 में दो जीरोस हैं, तो ये इंडियन नंबर सिस्टम में भी 100 और इंटरनेशनल में भी 100, ठीक है? अगर हमारे पास 1000 है, जिसके अंदर थ्री जीरोज आती हैं, 1000 यानी कि थ्री जीरोज, तो इंडियन में 1000 और इंटरनेशनल में भी 1000। अगर हमारा 10000 है, 10000 मतलब फोर जीरोस एंड फाइव डिजिट्स, क्योंकि 10000 को आप गिनोगे तो फोर जीरोस आ जाएंगी, फाइव डिजिट हो जाएगी टोटल, क्योंकि वन भी तो है, वन भी तो एक डिजिट है, तो टोटल फाइव डिजिट्स है और फोर जीरोस है, तो इसको हम बोलेंगे 10000 और इंटरनेशनल में भी 10000। तो यहाँ तक 10000 तक तो आपका इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों सेम है, लेकिन जब एक जीरो और बढ़ जाए यानी कि 1 लाख हो जाए, तो फिर इंडियन नंबर सिस्टम में हम इसको अलग गिनते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम इसको अलग गिनते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे सिक्स नंबर पर आता है लैख, यानी कि अगर मेरे पास जीरो हो जाओ, 1 2 3 4 5, अगर मेरे पास टोटल फाइव जीरोज हों, तो फाइव जीरोज को मैं क्या इंडियन नंबर सिस्टम में लूंगा, 1 लाख के इक्वल, और वहीं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होगा, 100000, यहाँ पे 1000, 10000 एंड देन 100000, ठीक है? अगर यहाँ पे मेरे पास सिक्स जीरोज हो इस तरीके से, तो इन सिक्स जीरोज को मैं क्या गिनूंगा, 10 लाख। अगर यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से सेवन जीरोज हो, तो सेवन जीरोज को मैं क्या लूंगा, 1 करोड़ इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है? अगर मेरे पास एट जीरोज हो, तो एट जीरोज को क्या मैं लूंगा, 10 करोड़, और अगर मेरे पास नाइन जीरोज हो, तो नाइन जीरोज को मैं लूंगा ऐसे ही 100 करोड़। अब आते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के ऊपर। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर मेरे पास जीरोज हो फाइव, तो फाइव जीरोज को मैं क्या लूंगा, 100000, यहाँ पे पहले 1000, 10000 एंड देन फिर 100000, ठीक है? उसके बाद अगर मेरे पास यहाँ पे सिक्स जीरोज हो, तो सिक्स जीरोज को मैं यहाँ पे इंडियन में 10 ले रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मिलियन, ठीक है? वहाँ पे 10 लैक्स था, ये 10 लैक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मिलियन के इक्वल। उसके बाद अगर यहाँ पे सेवन जीरोज है, तो इंटरनेशनल में क्या लूँगा मैं, 10 मिलियन के इक्वल। अगर यहाँ पे मेरे पास एट जीरोज हैं, तो यहाँ कितना मैं लूँगा, 100 मिलियन के इक्वल। और अगर यहाँ पे मेरे पास नाइन जीरोज हैं, तो नाइन जीरोज का क्या हो जाएगा, 1 मिलियन। यू कैन सी डेट, पहले 1 मिलियन आया, फिर 10 मिलियन आया, फिर 100 मिलियन बनाया, और 100 मिलियन के बाद सीधा 1 मिलियन। ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पे 1000, फिर 10000, फिर 100000, और फिर सीधा 1 मिलियन, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड सीधा 1 बिलियन। तो इस तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वर्क करता है, हम नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से इनको गिनते हैं, और ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, जो नॉर्मली 1000, 10000, लाख, 10 लाख के और करोड़ में आता है, ठीक है? तो ये दो नंबर सिस्टम हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम डिजिट्स के बीच कैसे कॉमा लगाते हैं, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम डिजिट्स के बीच कैसे कॉमा लगाते हैं। तो ये हमारे पास दो डिजिट है, इसको हम कॉमा लगाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है? इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले कैसे कॉमा लगाते हैं, तो इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम तीन डिजिट को छोड़ के कॉमा लगाते हैं। ये होगी वन, वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, 100 के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है?
वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा थाउजेंड, TTH, ठीक है, थाउजेंड हो गया ये, और ये हमारा क्या हो गया, 10,000, ये हमारा 10,000 हुआ। तो यहाँ पे फिर हम दो दो डिजिट को गए। हमें ये ध्यान रखना है इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हम तीन डिजिट को छोड़ के एक कॉमा लगाएंगे, एक कॉमा क्या लगाएंगे, तीन डिजिट को छोड़ करके, उसके बाद हम फिर दो दो डिजिट्स करके कॉमा लगा देंगे। तो ये 54 के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर दो डिजिट छोड़ी, फिर 76 के बाद, और फिर दो डिजिट छोड़ी, फिर कॉमा यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और डिजिट ले रहा हूँ, लेट सपोज 2, तो यहाँ पे दो डिजिट छोड़ गया। तो पहले तीन डिजिट छोड़नी है, उसके बाद दो दो डिजिट छोड़ के यहाँ पे कॉमाज लगाने हैं, ठीक है। तो ये हम इंडियन नंबर सिस्टम में इस हिसाब से करेंगे। अगर मुझे इसका नाम देना हो तो क्या नाम दूंगा मैं यहाँ पे इसको दूंगा, ये कितना में हो गया, टोटल डिजिट्स कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 98 crores, 98 crores, ठीक है, 76 लाख, ठीक है, 76 लाख। उसके बाद क्या आएगा फिर, 54,000 हो गया, ये पूरा हो गया। एंड देन ये बच जाएगा 321, ये आ जाएगा 321। तो इस तरीके से हम इंडियन नंबर सिस्टम में इसका नाम देंगे, ठीक है। अब यही अगली डिजिट हमको, अब इस नंबर को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम इसको कैसे कॉमा देंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम इसमें क्या कर रहे थे, हम तीन डिजिट को छोड़ के कॉमा लगा रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम टू टू डिजिट, जैसे कि यहाँ पे क्या था, वंस चला, टेंस चला, हंड्रेड चला, इसमें हम थ्री थ्री डिजिट को छोड़ के ही कॉमा लगाएंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, एक कॉमा, फिर थाउजेंड, 10,000, 100,000, एक कॉमा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, एक कॉमा, ठीक है। तो तीन तीन डिजिट करके ही हम इसमें कॉमा लगाएंगे। तो जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, एक कॉमा, तीन डिजिट छोड़ी, 1,000, 10,000, 100,000, एक कॉमा, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर एक कॉमा। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा थ्री थ्री डिजिट्स को छोड़ के कॉमा लगाना है, और इंडियन नंबर सिस्टम में पहले तो हम थ्री डिजिट्स पे लगाएंगे और फिर टू डिजिट, टू डिजिट और टू डिजिट पे लगाते चलेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं मेरे पास, 9 डिजिट्स हैं, तो ये मिलियंस में आएगा, ठीक है। तो इसका जो होगा, इसका होगा 987 मिलियन, ठीक है, 987,654, इसका नाम क्या हो जाएगा, 654,000, ठीक है, 1,000, फिर इसका क्या नाम हो जाएगा, 321। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा नाम हुआ, 987,654,321। तो ये पूरी डिजिट का नेम होंगे इस तरीके से। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें इन ब्लैंक्स को भरना है। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला पार्ट, 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे देखो, 1 लाख में जीरोज कितने होते हैं, 1 लाख में जीरोज होते हैं हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर सिस्टम है मैंने लिखे हुए हैं। तो 1 लाख में कितने होते हैं, 5 जीरोज होते हैं, एंड 10,000 में हमारे कितने जीरोज होते हैं, 4 जीरोज होते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो मैं अगर यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 4 जीरोस थी, ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे इसको एक जीरो और मिल जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना होगा आपका, वापस ये आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख आ जाएगा। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर इसको एक एडिशनल जीरो मिल जाएगी और 5, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पर, 10। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 10। आप अगर नंबर सिस्टम की बात करो तो ये भी और ये भी, ये दोनों इंडियन नंबर सिस्टम है, ठीक है, 1 लाख भी और 10,000 भी।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ जीरोस की, तो 1 मिलियन में हमारे पास जीरोस होंगे 6, ये इसका नंबर फॉर्म है, और 100,000 में हमारे पास जीरोस कितने होंगे? 5। अगेन मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को वो एक एडिशनल जीरो मिल जाएगी जो मेरे को इस 1 मिलियन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को वो एडिशनल जीरो मिल गई और ये टोटल कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, तो मुझे 1 मिलियन को 100,000 में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? हमारे पास टोटल 10 100,000 होंगे। ठीक है, बात करूँ अगर नंबर सिस्टम की, तो 1 मिलियन भी और 100,000 भी दोनों ही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपके आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे? तो इजी, वही बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप 1 करोड़ को पहले नंबर फॉर्म में लिख लो, 10 लाख को नंबर फॉर्म में लिखो, उसके बाद आप नंबर ऑफ़ जीरोस गिनो। इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस आपको मिलेंगी 7 1 करोड़ में, 10 लाख में आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगी 6। ठीक है, आपको अगर 6 जीरोस को 7 जीरोस में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ताकि आपको इधर एक एडिशनल जीरो मिल जाए, ताकि इसमें भी 7 जीरोस हो जाए। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे? इतने 1 करोड़ में 10 लाख होंगे। ठीक है, और नंबर सिस्टम की बात करो तो ये दोनों 1 करोड़ और 10 लाख आपके इंडियन नंबर सिस्टम ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे, 1 करोड़ में कितने मिलियंस होंगे? ठीक है, तो अगर मैं 1 करोड़ में जीरोस की बात करूँ तो 1 करोड़ में अगेन मेरे पास 7 जीरोस होंगे, और 1 मिलियन के अंदर गाइज 10 लाख होते हैं, और 10 लाख हमारा कितना होता है? 6 जीरोस वाला, 6 जीरोस वाला होता है। अगेन मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक एडिशनल जीरो के लिए, तो वो मेरे को कितना मिलेगा? 7 जीरोस मिलेगी। कितनी जीरोस मिलेगी मुझे? 7। ठीक है, 6 जीरोस तो इसके अंदर ऑलरेडी थी, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 1 जीरो और मिल जाएगी, तो वो 6 + 1 7 जीरोस हो जाएंगी। तो 7 जीरोस इधर थी, 7 जीरोस थी, तो मुझे 1 करोड़ को मिलियंस में कितने होंगे? 1 करोड़ में मिलियंस तो होंगे 10 मिलियंस। ठीक है, और ये हमारा क्या है? इंडियन नंबर सिस्टम, और ये हमारा क्या है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इसी का लास्ट पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। अब तो ये बच्चों आप आराम से कर सकते हो, 1 मिलियन में कितने जीरोस है? 3 + 3 6 जीरोस हैं। पहले आप उसको ध्यान रखो, पहले आप उसको नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है, नंबर कितना होगा, फिर आप नंबर ऑफ जीरोस गिनो, फिर आप ये देखो कि आप कितना 10 को या 100 को क्या मल्टीप्लाई करो या क्या चीज़ करो जिससे नंबर ऑफ जीरो दोनों साइड इक्वल पड़ जाए। ठीक है, फिर आपको अपने आप ही आंसर का पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे कितना हो गया? 6 जीरोस हो गई। यहाँ पे कितनी जीरोस हो गई? टोटल 5 जीरोस। आप यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा ताकि इसकी जीरो 6 हो जाए। ठीक है, तो 5 + 1 टोटल 6 हो जाएगी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगेन मेरे पास यहाँ पे 1 मिलियन में कितने होंगे? 10 लाख। ये मेरा आपकी बार होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आ गया। ठीक है, और ये मेरा इंडियन नंबर सिस्टम में आ गया। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो हमें इसमें कॉमास लगाने हैं और नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट है हमारा 73,75,307। तो हमें गौर क्या करना है यहाँ पे, 73 लाख, इट मीन्स दैट कि वो 10 लाख, 10 लाख से पार चला गया, 73 लाख जो है 10 लाख से ऊपर चला गया। तो 10 लाख में हमारे पास कितनी जीरोस थी? 10 लाख में हमारे पास 6 जीरोस थी, और डिजिट्स की बात करी जाए तो 7 डिजिट्स थी। तो हम यहाँ पे पहले 7 प्लेसेस बना लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 10 लाख में हमारे पास 7 डिजिट्स थी एंड 6 जीरोस थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम है, क्योंकि लैक्स में 1000 में दे रखा है, तो आप समझ जाओ इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे लगाओगे? 3 डिजिट के बाद। तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। अब हम यहाँ पे भरते हैं 73 लैक्स 75,000। ठीक है, 307, तो 307, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, सिंपल, इस तरीके से आप कर लो। पहले इसी तरीके से करना ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। आप पहले ये देख लो कि डिजिट्स कितनी आएंगी, उस हिसाब से स्पेस बनाओ, फिर कॉमास दो एंड देन उसमें नंबर्स लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 90 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़ है, सॉरी, ये 9 करोड़ 5 लाख 41 ये है। तो इसमें हम करोड़ से, मतलब 1 करोड़ से ऊपर गया है, 10 करोड़ से, लेकिन ये छोटा है।
ठीक है ना, 10 करोड़ से छोटा है, 1 करोड़ से ऊपर है। तो 1 करोड़ में कितनी डिजिट्स आती थी? 1 करोड़ में टोटल 8 डिजिट्स थी और 7 जीरोस थी। 8 डिजिट्स थी हमारे पास और 7 जीरोस थी। अब अगेन क्रोर्स चल रहा है, तो क्रोर्स में क्या होगा, इंडियन नंबर सिस्टम है तो यहाँ पे 3 डिजिट्स को छोड़ना है, फिर 2 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स, तो 9 करोड़ है, तो 9 करोड़ हो गया। उसके बाद 5 लाख है ओनली, क्या है, 5 लाख। तो 5 लाख में कितना होता है, सिर्फ 0 5, 5 लाख ये हो गया। फिर ओनली 41, तो ये सब जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0 41, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए बच्चों मैंने कहा था अगर आप ऐसे नंबर स्पेसेस देके कॉमा देके नहीं लगा जाए तो आप पक्का इसमें कंफ्यूज होते, तो इसलिए पहले आप स्पेस दो, फिर बीच में कॉमास लगाओ एंड देन फिर उसको नंबर दिया करो। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो ये क्वेश्चन है, हमें ध्यान का देना, 7 करोड़, ओनली 7 करोड़ है, इट मीन्स दैट कि 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से छोटा है, ठीक है, तो 1 करोड़ से ऊपर है। तो 1 करोड़, 1 करोड़ में कितनी डिजिट्स होती हैं, 8 डिजिट्स, ठीक है, 7 जीरोज होंगी, 8 डिजिट्स होंगी। तो आप यहाँ पे 8 स्पेसेस बना लो, जैसे हमने ऊपर दिया था, 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्पेसेस हमने दे दिए। क्रोर्स में है तो ऑफकोर्स इंडियन नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम है तो हम इसमें 3 डिजिट्स का गैप छोड़ेंगे पहले एंड देन फिर 2 डिजिट्स का गैप छोड़ेंगे, ठीक है, पहले 3 छोड़ी, फिर 2, फिर 2, फिर ये। अब हमारे पास क्या है, 7 करोड़, तो ये हो गया 7 करोड़, ठीक है। उसके बाद 52 लाख, 52 लाख, 21,000, 21,000, 21,000 हो गया। उसके बाद 302, तो अगेन 302 हो गया। इस टाइप का आप इजीली इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा 58,423,202। तो हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे, 58 मिलियन, तो ये 10 मिलियन से ऊपर है, 100 मिलियन से छोटा है, ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो 10 मिलियन से ये ऊपर है, तो 10 मिलियन में हमारे पास कितनी डिजिट्स होती है, टोटल 8 डिजिट्स होती हैं, ध्यान रखो आप। तो 8, वही गैप बना लो आप, 4 5 6 7 8, 8 गैप्स बना लिए हमने। और क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर है तो हमें अब इसमें 3 3 नंबर्स के बाद कॉमा देना है, तो ये हो गया पहला 3, फिर दूसरा 3 एंड देन ये 2। तो अब ये क्या है, 58 मिलियन, तो ये हो गया 58 मिलियन, 423, 423,202, तो 202, तो ये 202 हो गया, ठीक है, 23,000 हो गया और 423,000 हो गया और ये 58 मिलियन हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको करना था, ठीक है। और लास्ट पार्ट है हमारा ये, नेक्स्ट है हमारा 23,30,010, ठीक है। तो 23 लैक्स, 23 लैक्स, इट मीन्स दैट कि क्या ये 10 लैक्स से ऊपर है। अब 10 लैक्स में टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं, 10 लैक्स में हमारी 7 डिजिट्स होती हैं और जीरोस की बात करूँ तो 6 जीरोस होती है, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास 3 जीरोस, 2, ये होता है हमारा 10 लैक्स, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि 7 डिजिट्स होंगी और जीरोस की बात करूँ तो मैं कितनी होंगी, 6 होंगी। तो हमें 7 डिजिट्स का स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि 23 लाख है 10 लाख से ऊपर, ठीक है, 3 4 5 6 7, तो हमने 7 जगह छोड़ दिया क्योंकि ये लैक्स में चल रहा है, तो ये इंडियन सिस्टम है, पहले में 3 छोड़ेंगे फिर 2 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कॉमास भी हो गए। अब हमारे पास क्या है, 23 लैक्स, तो 23 लैक्स ही हो गया, 23 लैक्स हो गया। उसके बाद 30,000, 30,000 मतलब 30,000 ये रहा। उसके बाद सिंपल क्या है, 10, 10 के लिए क्या होगा, यहाँ पे 0 1 0, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब नंबर्स दे रखे हैं और हमें इनमें कॉमास लगाने हैं और उनका नेम करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, चलो देखते हैं। हमारे पास ये डिजिट है हमारी, तो सबसे पहले हम डिजिट को एक बार उतार लेते हैं, 8 7 5 9 5 7 6 2, ठीक है, ये नंबर्स है। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमास कैसे लगेंगे, इंडियन सिस्टम में हमने सीखा था कि पहले 3 डिजिट के आगे कॉमा लगेगा और फिर देन 2 2 डिजिट। तो पहले हमने 1 2 3, 3 डिजिट्स के आगे कॉमा लग गया, फिर 1 2, 2 डिजिट के आगे कॉमा, फिर 1 2, 2 डिजिट के आगे कॉमा लग गया। तो इस तरीके से हमें कॉमास प्लेस करने हैं डिजिट में, क्लियर। अब
डिजिट्स टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है 8वीं डिजिट है हमारी। 8th डिजिट किस में आती है, क्रोर्स में चली जाती है, तो इसका नाम क्या होगा, 8 crores 75 lakh 95 95 thousand 762, ये हो जाएगा 762। तो इस तरीके से हमने कॉमर्स दिया, तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें पहले हम डिजिट्स लिखते थे 8 5 4 6 2 4 6 2 8 3, ठीक है। तो ये है हमारा अगेन 3 डिजिट्स के आगे कॉमा, फिर 2 डिजिट के आगे कॉमा, एंड देन ये 2 डिजिट, तो ये हमारा नाम हो गया। अब यहाँ पे डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी 7वीं डिजिट है, तो 7वीं डिजिट हमारी किस में चली गई, लैक्स के अंदर। तो ये कितना हो गया, 85 85 लैक्स 46, ये 46,000 हो गया, ये 283, ये 283 हमारा नाम हो गया, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा हो अच्छे से। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये 999999, फिर 000 है, 000, एंड देन है ये 46, ये हो गया 46, ठीक है। अगेन 3 डिजिट के आगे 0, फिर 2 डिजिट के आगे 0, एंड देन फिर 2 डिजिट के आगे 0। डिजिट्स को गिनो मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मेरे पास 8वीं डिजिट है, ये मतलब ये 8 डिजिट है, टोटल 8 डिजिट्स है मेरे पास, तो 8 डिजिट वाला नंबर हमारा क्रोर्स में चले जाता है, तो ये क्या होगा, 9 करोड़ 9 करोड़ में चला गया, फिर ये 99, ये 99 लाख हो गया, ठीक है, 9 करोड़ 99 लाख, फिर 00 है, कुछ नहीं है इसका, और ये 46, तो ये 9 करोड़ 99 लाख 46, ठीक है, क्योंकि ये सब जीरोज हैं, इसमें कोई 1000 की वैल्यू आएगी नहीं, तो 9 करोड़ 99 लाख 46, तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं, 9 8 4 3 2 7 3 2 7 0 1, 3 डिजिट के आगे कॉमा, 2 डिजिट के आगे कॉमा, 2 डिजिट के आगे कॉमा, अगेन 8 डिजिट्स है टोटल हमारे पास यहाँ पे, तो 8 डिजिट हमारी किस में चली गई, करोड़ में, तो 9 करोड़ 9 करोड़ हो गया, 84 लाख हो गया, ये 84 लाख हो गया, फिर 32,000 हो गया, एंड 701, तो ये 701 हो गया। तो इस तरीके से हमें इसको इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से नेम करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। पिछली बार हमने इंडियन सिस्टम में दिया था, इस बार दे रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम, और कॉमाज भी उसी के हिसाब से लगा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, पहले लिख लेते हैं फर्स्ट वाला नंबर, 7 8 9 2 1 0 2 1 0 9 2, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चों याद रखना कि हमेशा 3 नंबर के आगे कॉमा लगेगा। इंडियन में पहले क्या था, पहले हमने 3 पे लगाया कॉमा, फिर उसके बाद 2-2 करके कॉमा लगाए थे, इसमें हमेशा 3 पे लगेगा कॉमा, पहले 3 पे कॉमा, फिर दूसरे 3 पे कॉमा, फिर आगे 3 पे, अगर ये तीसरी डिजिट होती थी फिर कॉमा लगता। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये और ये किस में चलता है, मिलियंस में, ठीक है, मिलियंस में, और पहले किस में चलता है, लैक्स में, क्रोर्स में, अब ये चलेगा मिलियंस में। तो ये 7 8 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 78 मिलियन, ये हो जाएगा 78 मिलियन 921 921,000 921,000, टोटली 921,000 हो गया, और फिर ये बचा सिर्फ कितना, 92, और बस अब ये बच गया 92। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाला है हमारे पास 7 4 5 2 2 8 3, तो इसको हम कैसे देंगे, पहले 3 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, ये तो हमारे पास टोटल कितनी होगी, 3 plus 3 and 1 7, तो टोटल मेरे पास 7 डिजिट्स हैं इस नंबर के अंदर, एंड 7 डिजिट्स मेरे पास 1 मिलियन के ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर 8 डिजिट्स थी, तो 8 डिजिट्स मेरे पास कितना, 10 मिलियन के ऊपर चला गया था, ठीक है। तो और यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं, तो ये मेरे पास 1 मिलियन के ऊपर चला गया, तो यहाँ जो है ये 7 मिलियन आएगा, स्टार्ट होगा ये 7 मिलियन से, तो ये 7 मिलियन, उसके बाद 452,000 283, एंड ये बचा हुआ 283, तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 999851, ठीक है, उसके बाद 02, तो कॉमास कैसे, 3 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, फिर ये, तो अब ये अगेन 8 डिजिट्स के अंदर चला गया, 8 डिजिट्स वाला हमारा 10 मिलियन से भी ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा 99 मिलियंस, ठीक है, तो ये हमारा 99 मिलियन से स्टार्ट हुआ,
फिर उसके बाद ये क्या हुआ, 985,000, 985,000, उसके बाद ये कितना बचा, 102, विच इज़ 102। तो इस तरीके से हमने इसको कॉमा वाइज कॉमा हमने इसको नाम दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट है ये 4804981, ठीक है। तो 3 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स एंड देन ये 2 डिजिट्स, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 48 मिलियन, ठीक है, 48 मिलियन हो गया। ये जीरो का तो कुछ नहीं रहेगा, 49,000, ठीक है ना। तो 49,000 हो गया ये। उसके बाद 831, तो ये हो गया 831। तो इस तरीके से हमें इसको नाम देना था। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ नीचे लाइक किए बिना मत जाना, और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा तो उसे प्लीज़ दबा दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए उसके बगल में जो आएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बच्चों थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।